तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते, तम कबीरम गुरुं वंदे ज्ञानिनायदिकं भव। जड़यध्यास महाबंदम बोध ज्ञान विमोच्यते। गुरु सुवरण के पद कमल बंदों बारंबार, जिन बतलायो भेद सब पर खायो पद सार। गुरु कृपा सो पाइए, बुद्धि विमल विवेक तीन ताप शीघ्र ही मिटे, श्री गुरु चरण निकीटे। तीन ताप से ग्रही मिटे, श्री गुरु चरण कीटे। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुद मंगल में संत समाज सभी धर्मप्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपाय माताएं और बहन छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। ये होली के दिन है और होली और दीपावली के ऐतिहासिक भाव से कितने ही उदाहरण हैं। लेकिन जो पारकी संत हैं वो हर चीज का आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं और आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं तो फिर हमारी हर रोज की दीपावली और हर रोज की होली, हर रोज के त्यौहार होली दीपावली रक्षाबंधन इसीलिए मनाए जाते हैं कि जीवन में एक उत्साह और आनंद बढ़ता जाए। अभी होली जिस दिन धूल उड़ती है तो सभी भाई लोग जाते हैं, भीड़ की भीड़ एक दूसरे के पास में जाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, धूल मिट्टी फेंकते हैं और गले मिलते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व की बात है एक से एक सीना से सीना मिला करके मिलना, गले मिलना, वो सबसे ज़्यादा महत्व की बात होती है। जैसे दीपावली पर सारे घर के कचरे को साफ करके बाहर फेंक देते हैं और फिर नई तरीका से उस घर की सजावट करते हैं और फिर दीपक जलाते हैं, उसको दीपदान कहते हैं। तो ऐसे ही हम अपने भीतर के कूड़े कचड़े को निकाल करके फेंकें और अपने हृदय के अंदर में दीपदान करें, दीपक जलाएं। तथागत बुद्ध कहा करते थे अप दीपो भव,
हे मेरे भाई बहनों, तुम स्वयं अपने अपने दीपक बनो, तुम स्वयं प्रकाश ही हो। गुरु तो मात्र एक सहारा होता है, एक माध्यम होता है, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और होली का त्यौहार, होली का त्यौहार इसलिए यहाँ होलिका दहन करते हैं। प्राचीन काल में कोई ऐसी घटना भई होगी, वो बताती है कि प्रहलाद और होलिका का संवाद भुआ भतीजी का था। प्रहलाद भक्त था, ये पुरानी कथा है, पुराणों में लिखी हैं, किसी के मन में आया जैसे लिखा, पर सही यथार्थ में अर्थ इसका यही होता है। जैसे दीपावली का दीपदान का अर्थ होता है अपने भीतर में दीपक जलाना ज्ञान का, और ऐसे ही होली का अर्थ होता है कि हम ऐसी होली खेलें, क्योंकि हमारे यहाँ अविद्या को होली का है। अविद्या का मतलब होता है एक उल्टी समझ, जो कोई चीज है उसको नहीं मानना और जो नहीं है उसको मानना, वो उल्टी है। भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव बमानी ये नहीं होते और हम मानते हैं, तो मानते हैं तो क्या है, ये अविद्या है। ये शरीर और संसार परिवर्तनशील है, लेकिन हम इसको मानते हैं कि भैया हम का जाएंगे दुनिया से, ये सब कुछ हमारा ही हो जाए पूरा का पूरा, तो ये अविद्या है। और ये विद्या है जैसे को तैसा मान लेना, जैसी की तैसी वस्तु पदार्थ को स्वीकार कर लेना उसको विद्या कहते हैं, और उसके विपरीत में उल्टा मानना उसको अविद्या कहते हैं। जैसे बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा गांजो भांग शराब अंडा मांस लोग खाते हैं, बिल्कुल उल्टा है। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ये जितने नशा हैं व्यसन हैं ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कोई घी और दूध को हानिकारक नहीं बताता है, फलों को हानिकारक नहीं बताता है। अच्छा, कोई फलों को खा करके थूकता है क्या? कोई सब्जी भोजन पा करके थूकता है क्या? लेकिन गुटके ही मुँह में भर के क्यों थूके हुए जाते हो फिर, अगर खाने की चीज़ हो तो? पर वो खाने की नहीं है, इसलिए वो उसको हम अविद्या कहते हैं कि अविद्या के वशीभूत होकर के। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, विषकों अमृत कहत गमारा, नीम कीट को नीम प्यारा और विषकों अमृत कहत गमारा। विषको अमृत जो मान लिया है और अमृत को विष मान लिया है, इसी को अविद्या कहा है शास्त्रों में। अविद्या, अस्मता, राग द्वेषा, अभिन्निवेशा, पंच कलेशा, ये योग दर्शन में पांच कलेश बताए हैं। अविद्या से ही राग द्वेष का उद्भव होता है। राग का अर्थ होता है किसी से चिपक जाना, और द्वेष का अर्थ होता है उससे टूट जाना। आज हमारा प्यार है किसी से और कल टूट गई, लड़ाई हो गई, तो द्वेष हो गया। आज शादी होकर के आई है और कल तलाक हो रही है। पति और पत्नी मिले तब कितना राग था, और जब फिर टूटे तो कितना द्वेष हो गया। सज्जनों, ये राग और द्वेष ये अविद्या के ही कारण इनका जन्म होता है। अस्मता भी एक हमारे भीतर का सूक्ष्म अहंकार है, किसी को देख देख के जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो सज्जनों, अविद्या, अस्मता, राग द्वेषा, भिन्न भेषा और पंच कलेशा, एक भय हमारे अंदर में पता नहीं, कोई अभी अक्षमात्र कोई आवाज हो जाए एकदम तो सब का दिल कांपने लगेगा। क्यों कपेगा? क्योंकि वो भय भीतर में, कोई ऐसी आवाज भई तो सबके दिल में एक कपकपाने शुरू हो जाएगी, ये आवाज कैसे भई, तो वो भय है। रात में हम जा रहे हैं तो हम भय सी लगती है, क्यों भय लगती है?
लुटने का भय, पिटने का भय, मरने का भय, चोर बदमाशों का भय। सदगुरु कहते हैं ये अविद्या है। तो मेरे बहन भाइयों, संत बताते हैं कि ऐसी होली खेलो कीच माटी की नहीं, लड़ाई झगड़े की नहीं, नशा पत्ता की नहीं। अब कितने लोग तो शराब पी पी करके बिल्कुल कबू राक्षस भाई होंगे, तब भाई होंगे वो, लेकिन अब आज बिल्कुल प्योर राक्षस हो जाते हैं, मुँह कालो कर लेते हैं और फिर पी लेते हैं, और फिर वे न को बड़े देखें न छोटे देखें, और भाई नहीं बहन भी, कहीं कहीं तो खुले के लट्ठू बजे तो है। संतों वास्तव में ये उड़दंग है। होली खेलो तो प्यार प्रेम प्यार की खेलो, जिससे जीवन में सुख मिले, शांति मिले। आजकल इन रंग गुलालों में भी कितनी ऐसी चीज मिश्रित हो गई हैं कि चेहरा पर लगा लो, फिर तुम महीनन नो तेल लगाते रहो, लेकिन चेहरा में जो खुदरापन आ जाएगा, क्योंकि वो चमड़ी पर अटैक कर गया वो। इसलिए किसी के चेहरा पर कोई ऐसी चीज नहीं लगानी चाहिए, अगर लगा ही रहे तो थोड़ा सा नेक तिलक कर दो, बस हो गया काम, और नहीं करो तो हाथ जोड़ लो, बहुत अच्छी बात है, खूब मिल लो प्यार से, वो सबसे ज़्यादा विशेष अच्छी बात है। कहीं कहीं तो कभी हम लोग खेलते तो ऐसा खेलते कि उसमें पागल हो जाते, ये तेल निकल तो ना अंजन में से और वहाँ में ऐसा पोंछा बना गए और बस जाके मुँह पे पोतो, भागे मुँह पे पोतो। भाई उस समय पर वही समझ थी, और जब पीछे ये बात समझ में आई सारी कि वास्तव में ये तो बिल्कुल पागलपन है, एक दूसरे के कपड़ों को फाड़ देना। तो संत समझाते हैं कि ऐसी होली, जैसे ऐसी दीपावली की जो बात बताई, संक्रांति की जो बात बताई, और होली की जो बात है वो एक प्रेम प्यार की बात है। जब वास्तव में ही जब दिल की कली खिलती है, जब प्रेम आनंद और उत्साह हमारे भीतर में बढ़ता है, तो हर समय का त्यौहार होता है। त्यौहार का अर्थ ही होता है एक खुशी, एक आनंद, और हमारे भीतर में एक खुशी है, आनंद है। हाँ, कभी कभी ऐसी बदरी आ जाती हैं, परिस्थिति आ जाती है, लेकिन सज्जनों जो धीरताई के साथ डटे रहते हैं, एक रामायण में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपते काल पर रखिए उचारी। अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में। शरीर में कोई पीड़ा है या कोई परेशानी है, या अगले व्यक्ति से हमें कोई दिक्कत है, या कोई और मामला गड़बड़ हो रहा है, कोई आर्थिक स्थिति हमारी टूट रही है, अपने धैर्य को मत खोना, देखते रहिए। जब अपना बस न चले तो अभी छोड़ दो, तुम कहे मेरे गुरु महाराज अब तेरी मर्जी है। और मैं कहता हूं ऐसा भाव तुम्हारे भीतर में बन जाएगा। देखिए जो जितनी जो कथाएं ना नहीं होती हैं, जितनी जो कथाएं हैं, जैसे अभी वो बाबा कह रहे कि जब द्रौपदी भीष्म पिता के सामने रो रही, द्रोणाचार्य के सामने रो रही, पूरी सभा में घूम रही, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था, जिसकी तरफ वो निगाह जोड़ती वो ही नार नीचे को लटका ले तो उसने अपनी आंख बंद कर ली और कहा कि हे मेरे प्रभु अब तू ही जाने, और देखो कुछ तो नहीं बिगड़ा। तो सज्जनों ऐसी धारणा जब हमारे भीतर में आ जाती है, तब तक हम दम भरते हैं सज्जनों, उसमें गड़बड़ हो भी सकती है, लेकिन इसको समर्पण भाव कहते हैं। जब हमारे अंदर में ऐसा समर्पण भाव होता है तो सज्जनों फिर उसको बनने में कोई देर नहीं लगती है। इसलिए अपने धैर्य को कभी मत छोड़ना, और धैर्य अगर आपके साथ में है तो धीरज भी आपके साथ में है,
धीरज और धर्म और फिर मित्र भी आपका साथ देंगे और आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल रहेगी। इच्छा शक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति, देखो एवरेस्ट की चोटी पर लोगों ने झंडा फहराया, कैसे फहराया, पांच पैर तो हमारे हुए और उनके हुए थे, लेकिन हमने नहीं फहराया। क्यों नहीं फहराया? कि इतनी हमारी इच्छा शक्ति प्रबल न थी। और फिर चलो ठीक है, पैरों वालों ने फहराया तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के एक पैर नहीं था, उसने भी फहराया। इच्छा शक्ति प्रबल थी। बताती हैं कोई एक विदेश की महिला थी, उसका कुछ नाम है, आंखों से अंधी थी, कानों से बहरी थी और जवान से भी कुछ नहीं बनता था। और जब उसकी इच्छा शक्ति प्रबल भई तो उसने ये अंधे लोगों को पढ़ाने का काम शुरू करवाया। अंधे लोगों की किताब शायद सबने नहीं देखी होंगी, उसको ब्रेन लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन लिपि। और उसमें सिर्फ जैसे अपनी सुई की नोक होती है, उस सुई की नोक की बराबर उसमें बिंदियां होती हैं। तो वो सुई की नोक की बराबर जो बिंदियां होती हैं और उसी से वो जो अंधे लोग होते हैं वो ऐसे हाथ से और वो सारी चीज़ों को समझते चले जाते हैं। हमारे यहाँ एक सूरदास आता था तो उसके पास में ये सारी पुस्तक थी, गीता थी, वेद थे। तो हमने उससे कहा कि गीता के 12वें अध्याय को निकालियो, और उसने ऐसे करके और गीता का 12वां अध्याय ये आ गया साहब। हमने कहा तो 12वें अध्याय में 12वें नंबर का श्लोक है, उसको निकालियो। और उसने वही श्लोक निकाल करके ऐसे और वो पढ़ने लगा। हमने कहा धन्य भैया, देखो उस लड़की ने जिसके आँख नहीं थी, जिसके कान नहीं थे, जिसके पास में वाणी भी नहीं थी, उसने अपने समय में और उस ब्रेल लिपि की पढ़ाई शुरू करवाई, क्योंकि वो जानती थी कि अंधे लोगों की कैसी पीड़ा होती है, गूंगे लोगों की कैसी पीड़ा होती है। तो उसके अंदर में कैसी इच्छा शक्ति जगी, तो बताते हैं कि उसने 12 स्कूलों की स्थापना करवाई अपने समय में, और वो डायरेक्टर बन गई। डायरेक्टर का मतलब होता है संस्थापक, कि जिसने उस संस्था को शुरू किया था। वो लड़की, मेरे भाई बहनों, कौन सी इच्छा शक्ति जगी उसके अंदर? ये हमारी इच्छा शक्ति का खेल है। आपके अंदर में आपकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो जाए तो आपकी इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि वो इच्छा शक्ति है वो हमारे परमात्मा से, आत्मा से जुड़ी है। तो जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे, ऐसी इच्छा मत कर लेना कि पड़ोसी भज्जिया जानते हो जाको मकान वो मिल जाए, हाँ फिर तो गड़बड़ जाएगी। हाँ ऐसी इच्छा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो इच्छा शक्ति होती है। तुम अपनी आत्मा को पूछ करके और फिर तुम कदम उठाओगे उधर, तो फिर तुम्हारी आत्मा एक ऐसा फैसला देगी भीतर से और वह काम तुम्हारा होगा, उस काम को कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए हम दीनहीन न बने, कंगला न बने, भिखारी न बने, आप देने वाले बने। आप तो अपनी इच्छा शक्ति से बादशाह बने। तो सज्जनों, आप धीरे 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 धीरे, मैंने बोला नहीं पहले कि एक भाई 15 साल पहले 50 रुपया देता था भोजन के लिए, अब वो 15 से देता है। अगर देने का भाव नहीं होता तो, जो देने का भाव होता है सज्जनों, धीरे धीरे आप सोच रहे होंगे कि महाराज बड़े बड़े पैसा वाले हैं, वो बिल्कुल नहीं देते हैं, नहीं उनका भाव नहीं है। पर वो नहीं देते हैं तो वो उनके लिए काल की फांसी है।
जो नहीं देते हैं उनके लिए वो काल की फांसी है। सदुपयोग करना चाहिए हर एक चीज का। बताते हैं एक चोर पकड़ लिया, किसी सेठ की चोरी हो गई, और उस सेठ को जब सेठ ने चोर को पकड़ाया तो मजिस्ट्रेट ने 500 रुपया जुर्माना चोर पर किया और 1000 रुपया जुर्माना उस सेठ पर किया। सेठ ने हाथ जोड़ करके कहा, हजूर मेरे पर जुर्माना क्यों कर रहे हो, मेरी चोरी भई और मुझे जुर्माना कर रहे हो मेरे पर। साहब ने कहा, अगर तुम इस तरीका से जोड़ करके नहीं रखते तो फिर ये भी चोरी नहीं करता, तुमने जोड़ करके रखा। और तुम जो धनी लोगों जोड़ जोड़ करके रखते हो तो फिर वैसे लोगों की निगाह जाती है उस पर, तो वो उस पर हाथ मारते हैं। भाई मधुमक्खी जब शहद इकट्ठा कर लेती है, जब शहद खाने वाले आते हैं तो नेक आँच दिखाई देते हैं, वो फुर्र फुर सम बच जाते हैं और फिर शहद खींच ले जाते हैं। और ये भी मत सोचो, हमारे यहाँ एक सेठ ने पहली बार, अब की बार इतवार बीता है, कौन सी तारीख होगी, अभी 10 दिन हुए हैं, इस मचकुंड में 1 से 1 गरीब लड़कियों की शादी की, और कोई ऐसा सामान नहीं था उसका कि वो 1.5-2 लाख से सामान कम हो। बताओ कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और उसने 450 बेटियों की शादी कर चुका वो, और जितनी बेटियों की शादी की थी वो सब मेहमानों को बुलाया उसने, सब बेटियों को बुलाया, उन बेटियों के बच्चों को बुलाया, तो सबको कंबल बांटे, 500 रुपया दिए दक्षिणा में। और ये भी हमने सुना है कि वो सावन के महीना में सबसे राखी बंधवाता है। देखिए उस पर कितना धन बढ़ रहा है, उस पर कैसे ला रहे। और वो कैसी बेटी, वो पैसे वालों की नहीं, जिनके माता पिता नहीं है, जिनके पास में पैसा नहीं है लगाने के लिए, बिल्कुल बेचारे गरीब हैं, घरवार नहीं है, ऐसी बेटियों को खोज खोज करके और हमेश करता है। तो करीब करीब मैं कहता हूँ कि करोड़ों रुपया का खर्च हुआ होगा। हम तो शाम को देखने के लिए गए तो बाजार लगा हुआ था, पूरा मचकुंड घिरा हुआ था, यहाँ से लेकर के और रानी गुरु तक, वहाँ तक मंदिर घिरा हुआ था पूरा। तो करते भी है, अगर करते नहीं सज्जनों तो फिर ये संसार के खम्भ हैं। तो इसलिए मैंने निवेदन किया कि देने का भाव बना करके रखो, आप सेवा करोगे आपका मन प्रसन्न होगा। आप अगर देते रहोगे आपके खजाने में कमी नहीं आएगी। बताते राजा भोज रोज 125 सोने का दान करते थे, तो रानियों को ऐसा लगा था कि अब हमारे खजाने खाली हो जाएंगे। तो रानियों ने सीधी सीधी तो नहीं कही, मंत्री को बुला करके मंत्री से कहा कि आप कैसे करके राजा के हाथ को रोको, ये 125 सोना रोज भिखारियों को बांटता है। मंत्री सीधा सीधा तो नहीं बोल पाए, लेकिन राजा जिस सिंहासन पर बैठता था उसके सामने जो खम्भ था उस पर लिख दिया कि धन की सुरक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य होता है, और दुख आपत्ति में काम आता है। जब राजा साम बैठे तो उनकी निगाह गई उस पर, उन्होंने सोचा ये किसने लिखवाया होगा। उसने राजा ने फिर जब दरबार उठ गया, राजा ने लिखवाया कि पुरुषार्थ करने वालों पर संकट नहीं आता है, विपत्ति नहीं आती है। पुरुषार्थ करने वालों पर विपत्ति नहीं आती है, और ये बिल्कुल सही बात है। दूसरे दिन जब मंत्री ने देखा तो मंत्री ने लिखा फिर कि कभी कभी दैव गति से पुरुषार्थ करने वाले लोगों पर भी संकट आ जाता है। तो फिर से राजा ने लिखा कि तो फिर तो जुड़ा हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा। जब ऐसी दैव गति होगी तो जुड़ा हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा, चोर ले जाएंगे, राज दंड लग जाएगा, आग लग जाएगी, और जुड़ा हुआ धन किसी तरीका से नष्ट हो जाएगा। इसलिए धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। उत्तम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो दान करते हैं, मध्यम प्रवृत्ति के होते हैं वो भोग करते हैं, और सज्जनों जो कनिष्ठ प्रवृत्ति के होते हैं वो नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाओ, और इच्छा शक्ति हर एक जगह, आपका मन गिर गया
किसी ने कह दिया किसी से आपको कैंसर है, उसकी इच्छा शक्ति गिर गई, और चाहे कैंसर है तो कह ना है पर वो मरी होता ही घंटे बेचारा, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति गिर गई। और किसी ने अगर इसकी इच्छा शक्ति को जागृत कर दिया तो सज्जनों वो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। ये मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया इस बात का। मेरे यहाँ इसमें गांठ थी, मैंने यहाँ धौलपुर में 3 जगह जांच कराई, उसमें गांठ बताई उन्होंने, और आखिर से उन्होंने बोला कि आप आगरा जाइए वहाँ जांच कराइए, इसकी गांठ है। तो हम चित्रकूट गए थे, हमारे साथ में एक गुड्डू भाई था और ओम प्रकाश वे मारसा वे यहीं धौलपुर के ही बंसल, हम 3 लोग थे। आरोग्य धाम में बैठे हुए थे, आज से करीब 5-6 साल की पहली बात होगी, आरोग्य धाम में बैठे हुए, वहाँ बड़े अच्छे डॉक्टर लोग, समझदार पढ़े लिखे लोग बैठे थे। तो वहाँ चर्चा होने लगी तो हमने वो बात रखी, हमने कही साहब ऐसी ऐसी बातें इसमें, अरे क्या आप महात्मा लोग हो और आप जी ले तो बहुत जी ले और चले जाओगे तो काय चले जाओगे, पर आप तो योगा वोगा किया करो, खूब मस्त रहो। और हमने उसी दिन से वो कागज़ फागज सब फाड़ फूड़ करके फेंक दिए, वो चर्चा ही बंद कर दी। फिर हम थोड़ा थोड़ा अपना योगा वोगा करने लगे और आज 5 साल हो गई, कोई बात नहीं है बिल्कुल। अगर थोड़ी सी ढील होती, थोड़ी सी और जांच करवाते और जांच करवाते और जांच करवाते तो वहाँ वो व्यथा बैठती चली जाती। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपनी कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बना करके रखना तो वो रोग भी भाग जाएंगे। तो इस तरीका से आप धीरे धीरे अपने जीवन को सहज सुंदर सरल बनाओगे तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा। और ऐसी होली खेलो, यही होली है सच्चे अर्थों में, यही दीपावली है सच्चे अर्थों में, यही संक्रांति है सच्चे अर्थों में। जब तुम थोड़ो 5-10 मिनट अपने बैठोगे, ध्यान पर बैठोगे तुम अपनी साधना पर, तुम्हारी श्वास चल रही है नाभि से लेकर के और यहाँ तक, और तुम देख रहे हो अभी सांस लेना नहीं आता है। जो भाई बहन उन पर सांस लेने की कला आ जाए, खूब गहराई से सांस लें, और जब सांस पर ही हमारा ध्यान है तो फिर मन खो जाएगा। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान श्वास पर है, और श्वास चल रही है, आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। कुछ कहना नहीं है, कोई जाप मत करना, अगर जाप करोगे तो वो क्रिया बन जाएगी, कुछ कहोगे वो शब्द बन जाओगे। इसीलिए तो कहा है कि जाप मरे अजपा मरे और अनहद हू मर जाए, कितना बढ़िया कहा है कि कोई जाप मर गया, अजपा मर गया, अनहद मर गई। और सज्जनों कहें कबीर ता कल्प की, एक क्षण वो ऐसा आया कि उस कल्प की व्याख्या कोई शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। वो क्षण ऐसा कि हमारे भीतर में निःशब्दता है, कोई शब्द नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, बस हम शांत होते चले जा रहे हैं। इसलिए कहीं कहीं कोई भाई हमारे कहते हैं, महाराज आपने हमें कोई मंत्र ना सुनाया हो। अरे भैया, मंत्र तो सलाह को कहते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ये सब मंत्र ही तो होते हैं। रामायण में भी इस मंत्र को सलाह कहा है, विभीषण ने मंत्र दिया था श्री राम जी को कि महाराज समुद्र तुम्हारा कुलगुरु है, तुम प्रार्थना करो जा करके। पर मंत्र ने ये लक्ष्मण मन भावा, ये मंत्र लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, और लक्ष्मण को मंत्र काम आयो। फिर कादर मन को एक अदारा, वो दैव दैव या लसी पुकारा, कितना बढ़िया कहा है, नाथ देवकर कवन भरोसा,
सोचिए सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन को एक या धारा, और दैव दैव या लसी पुकारा। ये तो आलसी और कायरों के काम होते हैं, आप तो वीर पुरुष हो, आपको ये बात शोभा नहीं देती है कि किसी का दैव गति से ये काम हो जाएगा। दैव गति कहाँ है, कैसे है दैव गति? तो मेरे भाई बहनों, वो ही मंत्र फिर काम में आया। राम जी ने जब अपने धनुष बाण उठाए तो बताते हैं कि सागर आ गया हाथ जोड़ करके। ये रूपक है, बात कुछ और होगी, लेकिन ये रूपक है कि मंत्र विभीषण का मंत्र काम में नहीं आया और लक्ष्मण जी का मंत्र काम में आया। आप विचार करोगे तो ये सब पूरे के पूरे जो संत गुरुओं की सलाह है, ये संत गुरु जो बोलते हैं, दोया के रूप में बोलते हैं, चौपाई के रूप में बोलते हैं, भजन के रूप में बोलते हैं, ये सब मंत्र हैं। वो मंत्र नहीं, कान मकदे कुर तुम चेला हम गुर, और पांचो कपड़ा धज्जा और जी चाहे ता मज्जा है, ऐसा नहीं। वास्तव में ही मंत्र का, अरे कान में को बात कहते तो कान की बात कच्ची होती है नहीं। कोई आदमी कहो कि कान में कुर्र कर दे, वो आई बात है मान लेते जमाते, तो कान को कच्चो है, हैं कहते है नहीं, कान को कच्चो है। कहो सास को बहू कहू बैठी आई और बा ने को बात कही, सास ने कही हाँ बदई कहू ने, तो इसलिए मेरे भाई बहनों, जो कान की बातें होती हैं वो कच्ची होती हैं। कबीर साहब जी तो कहते हैं चौड़े कहें बजाए, जो सच्ची बात होती है वो चौड़े में कही जाती है। सदगुरु कबीर साहब जी की वो टकसार है, वो चौड़े में बिकती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, बैठो सवेरे बैठो, शाम को बैठो, दिन में बैठो, जब तुम्हारी नींद टूट जाए तब बैठो, कोई परहेज नहीं है। खा कर के बैठें कि ना कर के बैठें कि धो कर के बैठें, जैसी स्थिति में हो तुम्हारे भीतर में जब ऐसा मामला बने तो तुम बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर में ही जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है ऐसे ही तुम तन से मन से वचन से फिर स्वस्थ हो जाते हो एकदम, क्योंकि तुम अपने आप से जुड़ गए, तुम अपनी आत्मा से जुड़ गए, अपने परमात्मा से जुड़ गए। हमारे कबीर पंथ में तमाम धूम मच रही है, कोई सत्य नाम दे रहा है, कोई सार नाम दे रहा है, और एक बार में भी वो लोग नहीं दे पाते हैं तो छः छः महीना एक एक साल लोगों को परेशान करते हैं। ये दुकान है, ये दुकान है, और भोले भाले लोग जाते हैं वहाँ, और सज्जनों फिर भीड़ करके कोई फिर अपने हितु रिश्तेदार ने लेकर के पहुँचा, फिर बेहू अपने अपने हितु रिश्तेदार ने एक बड़ी लंबी चैन बनाई दी, अभी की सार नाम मिलेगो, फिर अब की सत्य नाम मिलेगो, फिर अब की फलानो नाम मिलेगो, ये सब बिल्कुल सज्जनों। संत तो जगाते हैं, और जाग जो व्यक्ति जागता है तो जागने में कितनी देर लगेगी, कोई कहे साहब हम छः महीना दे सो रहे तो छः महीना जगने में लगेंगे, कोई कहे साहब हमें 12 घंटा हो गए सोते सोते तो क्या 12 घंटा जगने में लगेंगे, कोई कैसा हम 4 घंटा से सो रहे तो 4 घंटा लगेंगे जगने में, नहीं चाहे तुम 4 घंटा से नहीं तुम 4 साल से सो रहे हो, 4 साल से नहीं चाहे तुम 4 जुगन से सो रहे हो, पर जगने में तो उतने टाइम लगेगी जितनी रत्नाकार को लगी, उंगली मार को लगी, बुद्ध को लगी, जितनी महापुरुषों को लगी, वो जाग गए, उनकी आँखें खुल गई सज्जनों, तो वो अपने अस्तित्व को प्राप्त हो गए और पूरे देश में उन्होंने अपने ढंग का बजाया। इसलिए संत जगाते हैं, जो जागल सो भागला हो रमैया राम, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। संत जगाते हैं, जो जागृत होकर के अपना जीवन जीते हैं, होश के साथ अपना जीवन जीते हैं सज्जनों, उनकी हमेशा की होली रहती है, हमेशा की दीपावली रहती है, हमेशा की संक्रांति रहती है, हमेशा के रक्षाबंधन रहते हैं। सदा दिवाई साध की जो गर गए हुए कावत में कहते हैं, तो ऐसा आनंद और उत्साह का हमारा जीवन हो, यही जीवन की सार्थकता है। सभी भाई और बहन आपस में प्रेम प्यार से हिल मिल करके जब ऐसा जीवन जियोगे, ऐसा जीवन व्यतीत करोगे, यही जीवन की सार्थकता है। सज्जनों ज़्यादा न कहते हुए, वैसे अब यहाँ से आगे समय 4 बजे तक चलेगा सत्संग, पर आज हमारे यहाँ हमारे सामने बहुत काफ़ी दूर दूर से भाई बहन पधारे हुए हैं,
देखो हमारी ये माता हैं और वो भाई हैं सुरेश चंद, इन्होंने कहीं हमारा वीडियो सुना होगा, कहाँ जिला हरदोई में, हाँ नहीं हरदोई, हाँ हरदोई, तो हरदोई से और रात 7 बजे चले शाम को और 2:30 बजे यहाँ पर आए हैं। तो देखो देश देखा नहीं और कहाँ धौलपुर कहाँ हरदोई, लेकिन ये दिल की लगन कितनी लगन होती है सच्ची सज्जनों, जब लगन लग जाती है तो फिर कहीं सारी दूरियां समाप्त हो जाती हैं, जब लगन लग जाती है इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है तो फिर हम जो कुछ करते हैं फिर वही होता है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों सभी को इस तरीका से अपने जीवन और जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यह वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। बोलिए श्री सतगुरुदेव साहिब बंदी।